फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल पीवीआर स्टडी। चलिए आज हम आपके लिए फिर से विटामिन पे लाए हैं। जैसा कि आपने एक देखा था, एक वीडियो मैंने फर्स्ट वीडियो मैंने विटामिन पे बनाई थी, तो उसमें विटामिन के आपको इंट्रोड्यूस कराया गया था एंड विटामिन कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से विटामिन होते हैं और विटामिन जितने भी प्रकार के होते हैं उनके रासायनिक नाम और केमिकल्स नेम के बारे में चर्चा की गई थी। तो सेकेंड वीडियो में आपको विटामिन से होने वाले रोग के बारे में बताया जाएगा, कौन से विटामिन से कौन से रोग होते हैं। तो चलिए जान लेते हैं विटामिन की कमी से हमें कौन कौन से रोग होते हैं। जैसा कि आप इस चक्रव्यूह को देख रहे हैं, इसमें सारे विटामिन के बारे में लिखा है, सारे विटामिन के रोग के बारे में लिखा है। तो विटामिन कुछ 13 प्रकार के होते हैं। जैसा कि आपको मैंने बताया था कि विटामिन को दो भागों में डिवाइड किया गया है, एक होता है जल में घुलनशील विटामिन और एक होता है वसा में घुलनशील विटामिन। तो इस तरीके से दो प्रकार के विटामिन होते हैं, दो भागों में डिवाइड किया गया है। तो 9 विटामिन जल में होते हैं और 2 विटामिन वसा में होते हैं, ठीक है। तो चलिए मैं आपको 13 कुल टोटल 13 विटामिन होते हैं, मैं 13 विटामिन के बारे में आपको, उनसे होने वाले रोग के बारे में आपको इस वीडियो में बताऊंगी। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, सबसे पहले हमारा आता है विटामिन ए। विटामिन ए की कमी से जो होने वाला रोग होता है वो होता है रतौंधी। रतौंधी नामक रोग विटामिन ए की कमी से होता है। इस बीमारी में क्या होता है, इसका लक्षण क्या होता है कि जब भी आपको रतौंधी नामक रोग हो जाएगा तो आपकी आंखों से जो मतलब जो आप अपनी आंखों से देखेंगे तो आपको कुछ धुंधला टाइप का दिखने लगेगा, प्लस आपकी आंखें सूखने लगेगी और आपकी आंखें कमजोर होने लगेगी, ठीक है। और आपकी आंखों से काफ़ी आंसू निकलने लगेंगे और आपकी स्किन जो होता है, ठीक है, उसकी जो ब्राइटनेस मतलब चमक होती है वो धीरे धीरे जाने लगेगी और आपके बाल भी काफ़ी झड़ने लगेंगे। तो जब भी आपको रतौंधी नामक रोग होगा वो कुछ इस तरीके से आपके आंखें में इफेक्ट पड़ने लगेंगे, आपकी आंखें एकदम लाल होगी, वहाँ उसमें से आप आंसुएं निकलेंगी, ठीक है। तो इस तरीके से विटामिन ए की कमी से जो रतौंधी नामक रोग होता है वो इसके इफेक्ट है। तो आपको अगर कभी भी रतौंधी नामक रोग होता है तो आप अगर पहचान नहीं पाते हो तो ये इसके करेक्टर्स हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि आपकी आंखों से दिखना कम होने लगेगा, ठीक है। तो आपको विटामिन ए की चीजें खानी चाहिए जिससे आपको रतौंधी नामक रोग ना हो। तो चलिए फ्रेंड्स, आप आगे बढ़ते हैं। विटामिन बी, विटामिन बी की कमी से रोग होता है बेरी बेरी, ठीक है, आपने नाम सुना होगा, ठीक है। विटामिन बी के सबसे महत्वपूर्ण रोग है बेरी बेरी और ये बहुत खतरनाक रोग होता है। जब भी हमें बेरी बेरी नामक रोग होता है तो मैं आपको बता दूं कि जो विटामिन बी की कमी से जो बेरी बेरी नामक रोग होता है, बेरी बेरी नामक दो तरीके से होता है, ठीक है, उसे दो भागों में बांटा गया है। एक विटामिन बी की कमी से जो सबसे मतलब अधिकतर ज़्यादातर होता है, ठीक है, वो बेरी बेरी होता है। और क्या होता है कि जो जब भी हमें बेरी बेरी नामक रोग हो जाता है तो उसमें क्या होता है, नींद हमें बहुत ही कम आने लगती है। मतलब आप कितना भी दोपहर में अगर सोचो सो लो या रात में सो लो तो आपको नींद बहुत ही कम मात्रा में आने लगेगी। अगर आपको बेरी बेरी नामक रोग है तो आपको नींद बहुत ज़्यादा बहुत ही कम आएगी, ठीक है, बिल्कुल भी आएगी ही नहीं। सोचो कि आप नींद आ जाए, हम किसी तरीके से सो जाएँ तो बहुत ही मुश्किल है। तो बेरी बेरी नामक रोग का सबसे महत्वपूर्ण लक्षण तो यही है। दूसरी चीज़ें, आपके हाथों पैरों में सूखापन पड़ने लगेगा, आपके हाथ पैर बहुत ही दर्द होने लगेंगे, शरीर पर लाल चकते निकलने लगेंगे, कुछ इस तरीके से फ्रेंड्स, जैसे कि हमारे पूरी बॉडी में इस तरीके से रोग फैलने लगेगा। तो यही हमारा बेरी बेरी रोग है। सबसे पहला लक्षण करेक्टर्स तो यही है कि आपको नींद बहुत कम आएगी, दूसरा आपको कुछ इस तरीके से दाग आपके पूरे बॉडी में दिखने लगेंगे। दूसरी चीज़ें फ्रेंड्स आपको बता दूँ, जिसे आप महामारी रोग भी कहते हैं। महामारी रोग मतलब आपने सुना होगा, ठीक है, जब भी आपको इस तरीके से रोग हो जाता है उसे महामारी रोग भी कहा जाता है। तो बीमारियां विटामिन बी की कमी से इस तरीके से होती है, ठीक है। तो आपको विटामिन बी के बारे में बता दिया गया। तो अगर आपको कभी भी इस तरीके से आप इनके करेक्टर्स कुछ भी आपको महसूस हो तो आप समझिएगा कि आपको बेरी बेरी नामक रोग है और उसको छुटकारा पाने के लिए आपको उसके स्रोत का इस्तेमाल करना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं विटामिन सी के बारे में। जैसा कि फ्रेंड्स आपको विटामिन सी के बारे में बता दिया जा रहा है कि विटामिन सी की कमी से होने वाले जो रोग होते हैं उसका नाम है स्कर्वी, ठीक है। स्कर्वी नामक रोग हमारे विटामिन सी की कमी से होता है, ठीक है। और विटामिन सी की जब भी कमी होती है हमारे बॉडी में और अगर हमें स्कर्वी नामक रोग हो जाता है तो हमारे बॉडी में सबसे पहला चीज़ ये तो कि खून की कमी हो जाती है, बहुत ही कम मात्रा में खून होते हैं और इसे एनीमिया होना भी कहते हैं। और जैसे कि आप टॉयलेट करते हो, ठीक है, तो उसमें जलन भी होने लगती है, पेट में काफ़ी दर्द भी होने लगते हैं, आपका पेट खराब भी होने लगता है, ठीक है। एंड एक चांसेस रहते हैं पथरी का बनना,
ठीक है, जब भी आपको रतौंधी नामक रोग होगा, सॉरी रतौंधी स्कर्वी नामक रोग होगा, तो आपके पेट में पथरी नामक रोग पथरी भी बनने लगेगी, ठीक है। तो ये विटामिन सी के लक्षण है। तो विटामिन सी जो होता है वो रतौंधी नामक रोग पैदा करता है, और रतौंधी नामक रोग जब भी हमारे बॉडी में पैदा होगा कुछ इस तरीके से उसके करेक्टर्स आने लगेंगे, तो आप पहचान सकते हैं। दूसरी चीज़ें हैं कि आपकी मशूड़ों में, दांतों में इस तरीके से सड़न सी दिखाई देने लगेगा, तो इसके भी कुछ करेक्टर ऐसे हैं, ठीक है। तो आपको विटामिन सी से बचना है तो आप उनके स्रोत का इस्तेमाल जरूर करें, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं विटामिन डी। विटामिन डी की कमी से कौन कौन से रोग होते हैं, मैं इसके बारे में आपको बता दूं। विटामिन डी की कमी से आपको रिकेटस नामक रोग होता है, जो हड्डियों को कमजोर होने से जुड़ी हुई, मतलब कि हड्डियों को कमजोर होने से जितनी भी रोग होंगे उस सारे रोग होंगे, जैसे घुटनों में दर्द होना, चक्कर आना, ठीक है। अगर आपकी हड्डियों में थोड़ा सा भी कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती तो आपके पूरे बॉडी में पेन होने लगता है। दूसरी चीज, कोलेस्ट्रॉल की मात्रा भी बढ़ जाती है, और सबसे बड़ी बात तो ये कि रक्तचाप भी काफ़ी बढ़ जाता है, चक्कर भी आता है, और कोलेस्ट्रॉल की भी बढ़ना की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे आपका मोटापा भी बढ़ जाता है। तो विटामिन डी की कमी से आपको इतने सारे रोग होते हैं, ठीक है। और सबसे बड़ी चीज़ आपको बता दें कि कोलेस्ट्रॉल की मात्रा अगर आपकी बॉडी में बढ़ जाता है तो आपको, आपके शरीर का मोटापा अपने आप बढ़ने लगता है। आप कुछ खाइए या ना खाइए इससे कोई मतलब नहीं होता, ठीक है। इस वजह से आपको सबसे ज़्यादा सूरज की रोशनी की जरूरत होती है, जिससे आपका विटामिन डी आपके शरीर में कभी भी कम ना हो, और आपका चक्कर और कोलेस्ट्रॉल की मात्रा अधिक ना हो। ओके फ्रेंड्स, चलिए आगे बात करते हैं विटामिन ई। और आपको बता दें कुछ इस तरीके से आपकी हड्डी भी दिखने लगती है एकदम, ठीक है। तो आपको, चलिए अब बताते हैं विटामिन ई के बारे में। विटामिन ई क्या होता है, चलिए बात करते हैं। विटामिन ई से जो हमारे रोग होता है उसे हम लोग बोलते हैं एनीमिया रोग। आपने नाम सुना होगा, विटामिन ई के कमी से होने वाले रोग जो होता है वो एनीमिया रोग होता है। और विटामिन ई की कमी जब भी हमारे बॉडी में आती है उसमें नवजात शिशु के खून में कमी आ जाती है, ठीक है। और प्लस व्यक्तियों के दिमाग की नसें भी फटने लगती हैं, फटने की संभावना भी होती है। आपके एक विटामिन की कमी से इतना ज़्यादा हमारे बॉडी में प्रभाव पड़ता है। तो अगर आपकी मतलब कि ब्रेन में उनकी नसें, उनकी वेंस फटने लगेगी, फटने की संभावना होगी एक विटामिन की कमी से, तो आप सोचिए कितना खतरनाक ये रोग होता है। तो फ्रेंड्स, आपको मैं बता दूं कि विटामिन ई की कमी आपकी बॉडी में बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और इससे अत्यधिक शरीर के लिए हानिकारक ये है कि खून की कणिकाओं पर भी असर पड़ने लगते हैं और किसी न किसी अंग से बहने लगते हैं। तो कहने का मतलब ये कि जब आपके शरीर में विटामिन ई की कमी हो जाएगी तो आपको हल्का सा भी अगर ब्लड से या किसी भी चीज़ से आपका बॉडी कहीं से भी कटता है तो तुरंत खून बहना चालू हो जाएगा और बंद होने की संभावना बहुत ही कम होती है, ठीक है। और उसके साथ साथ आपको और बता दें कि विटामिन ई की कमी से आपको अगर बचना है तो ज़्यादातर आप फल, सब्जी, ठीक है, कोशिश करें कि इन सब चीज़ों का आहार करें, ठीक है। और उसके साथ साथ आपको एक चीज़ बताया जा रहा है इस वीडियो में, क्योंकि मैंने आपको कुछ विटामिन के बारे में बताया जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट था, ठीक है। तो एक चीज़, इस वीडियो को देखने के बाद आपको ये चीज़ महसूस हुआ होगा कि हमारे बॉडी के लिए सारे विटामिन बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि एक विटामिन कमी से बहुत सारे हमें रोग पकड़ लेते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ऐसे रोग होते हैं तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, क्योंकि इस रोग से बचने के लिए केवल आपके पास एक ही चीज़ है कि उनके स्रोत का उपयोग करें। विटामिन विटामिन का स्रोत का उपयोग करने से आपकी बॉडी में कोई भी विटामिन की कमी नहीं होगी। तो कि यहाँ इससे रिलेटेड आपके प्रश्न भी बहुत सारे पूछे जाते हैं, उसके साथ साथ आपकी बॉडी के लिए भी बहुत ही लाभदायक है, क्योंकि आपकी बॉडी में अगर किसी भी विटामिन की कमी होती है तो आपको बहुत ही नुकसान पहुँचा जाती है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आपको नेक्स्ट डे बनाती हूँ।